खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां डिप्टी कमिश्नर सलामत अली मेमन ने कहा कि रमज़ान मुबारक तमाम उम्मत के लिए बरकतों का महीना है। इस महीने में उम्मत की खिदमत करके अपनी आखिरत भी सवारी जा सकती है। इस अमर का इजहार उन्होंने रमज़ान मुबारक से कबल सफाई सुथराई, लाइट, स्विग, गैस की लोड शेडिंग, सिक्योरिटी, शहरियों को साफ पानी की फरहमी, बचत बाजार और दीगर मसाइल के हल के लिए पेश किए इंतजाम के सिलसिले में इजलास में मुतलका अफसरान को हदायत करते हुए किया। इस मौके पर SSP मीरपुर खास चौधरी असद अली ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाह और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं। रमज़ान के दौरान सिक्योरिटी के सिलसिले में किसी भी किस्म की परेशानी दरपेश नहीं आएगी। इस मौके पर पब्लिक हेल्थ के नुमाइंदे ने बताया कि शहर में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि रमज़ान से कबल तमाम टूटी हुई लाइनों को तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने कहा कि रमज़ान मुबारक महीने के दौरान सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किए जाएंगे। इस मौके पर DC ने लाइट और स्विग गैस के सिलसिले में उलमा इकराम से मुखातिब होकर कहा कि लोड शेडिंग न करने की टाइमिंग का शेड्यूल बना कर दिया जाए, इस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान होटलों को चलने से रोका जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर करने के लिए शहर का विजिट किया जाए, जिसमें सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट और दीगर कामों को चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान मसाइल को हल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। उलमा इकराम समेत ग्रुप में शामिल दीगर मेंबर्स किसी भी दरपेश मसाइल से आगाह कर सकते हैं, ग्रुप में वॉइस मैसेज कर सकेंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों समेत दीगर आबादी की सहूलत के लिए बचत बाजार स्कीम जिम खाना भी लगाई जाएगी। इजलास में मुतलका कमेटी के मेम्बरान और ताजर बरादरी और दीगर ने शिरकत की।